अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। बायो की क्लास का टाइम हुआ चाहते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। बच्चे, आज हमारा लेक्चर 4 है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। बच्चे, लेक्चर नंबर 1 को ज़रा रिवाइज करें तो मैंने आपको बताया था कि जो बायो है एक वसी फील्ड है, वास्ट फील्ड है, जिसका अदर साइंसेस के साथ रिलेशन होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो बच्चे, बायो का अदर साइंसेस के साथ लिंकेज क्या है? अब अदर साइंसेस की अगर मेन ब्रांचेस की तरफ आएँ तो अदर साइंसेस की मेन ब्रांचेस फिजिक्स भी होती है जो आप लोग पढ़ेंगे 9th में, केमिस्ट्री भी होती है बच्चे, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी होती है, मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स भी होती है। तो ये सारी अदर साइंसेज हैं। बायो का इनके साथ क्या रिलेशन है, हम लोग आज के लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अगर बच्चे इस स्टेटमेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर के माइंड के लिहाज से, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो एग्जामिनर हमसे डिमांड करे द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, आर वो बुक वाली वर्डिंग को रिपीट करे, राइट डाउन द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो वो हमसे वही चीज़ डिमांड कर रहा होगा जो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चे, तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बायो वसी फील्ड है, इसका अदर साइंसेस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। आपकी बुक में जो रिलेशन डिस्कस किए हुए हैं वो टोटल किए हुए हैं 5, कि बायो का 5 अदर जो साइंसेज हैं, 5 इंपॉर्टेंट अदर साइंसेज हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है। बच्चे, पहला है आपके पास बायोफिजिक्स। अब बच्चे, बायो की डेफिनेशन में जो मेन चीज़ होती है वो होती है लाइफ। हम लोगों ने देखा है, फिजिक्स के लेक्चर भी आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 8th में, ग्रेड 8th में आप लोग फिजिक्स के जब साइंस जर्नल साइंस में फिजिक्स की पोर्शन की तरफ जाते हैं तो आप लोग देखते हैं इधर हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं बच्चे, एनर्जी, और इधर हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। तो बायो का इस एनर्जी या इस मैकेनिक्स के साथ क्या ताल्लुक होता है? तो बच्चे, हम लोग कहते हैं बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल फिनोमेना, बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना से मुराद क्या चीज़ होते हैं, लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस। बहुत सारे लाइफ रिलेटेड प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, जिनकी स्टडी करते हैं अंडर द रूल्स और अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है बच्चे, हमारी लाइफ के बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो सारे के सारे हम लोग जिनकी स्टडी करते हैं या जिनको समझते हैं बच्चे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जांपल बच्चे, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बायो एनर्जेटिक्स। इस बुक का यूनिट नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, बायो से मुराद लाइफ, एनर्जेटिक्स से मुराद होती है एनर्जी। तो ये जो बायो को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये लाइफ को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये एनर्जी बनने का जो अमल होता है इसमें इन्वॉल्व होती है सारी की सारी फिज़िक्स। बायो एनर्जेटिक्स को समझने के लिए हमें फिज़िक्स का पता होना चाहिए, लाइट। अब एनर्जेटिक्स, एनर्जी, एनर्जी की फॉर्मेशन आपको पता है किसकी मदद से होती है, सनलाइट। अब सनलाइट को आप लोग बायो में तो नहीं पढ़ सकते, सनलाइट को समझने के लिए आपको प्रिज्म में सनलाइट को तोड़ के विजिबल स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत होगी। तो ये बनाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, फिजिक्स का। लेकिन फिजिक्स का सहारा लेके हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे बच्चे, बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये बायोलॉजिकल फिनोमेना, इस फिनोमेना के ऊपर लाइफ सारी की सारी क्या करती है, डिपेंड। इसके अलावा बच्चे, न्यूरोसाइंसेस, क्या मतलब न्यूरोसाइंसेस का, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। न्यूरो से मुराद न्यूरॉन्स, किसी शख्स के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, हमें कैसे पता चला, ये ब्रेन की हम लोग इमेज लेके आना चाहते हैं, ये बॉडी के किसी भी पार्ट के इमेज लेके आना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं बच्चे, हम लोग करवाते हैं सीटी स्कैन, और हम लोग क्या करवाते हैं, एमआरआई, और हम लोग हार्ट की जो रीडिंग होती है उसके लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, MRI, CT स्कैन, ये सारा आपके पास एक मशीन के थ्रू होने वाला प्रोसेस है। तो मशीन किसकी मदद से बनती है, फिजिक्स की मदद से। फिजिक्स का कंसर्न किसके साथ है, लाइफ के साथ। तो हम लोग कहते हैं कि बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग ऐसे फिनोमेना पढ़ते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जिनका कंसर्न किसके साथ होता है बच्चे, लाइफ के साथ। तो बायोफिजिक्स को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, इन बायोफिजिक्स हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं जो अकर करते हैं या जो टेक प्लेस करते हैं अंडर द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाएं बच्चे, नेक्स्ट रिलेशन बायो का किसके साथ है, केमिस्ट्री के साथ। बायो को फिर वही वाली चीज़, बायो का मतलब आ गया आपके पास लाइफ। केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ को पढ़ते हैं बच्चे, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जब इकट्ठी हो जाती है तो एक एमसीक्यूज जो मैं आपको बता दूं इस क्लास में काम आ सकते हैं, नहीं तो हायर क्लास में आपके पास लाजमी काम आता है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जितनी भी साइंसेज है उसकी मदर जिसको कहा जाता है बच्चे वो कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, बायो का किसी भी अदर साइंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो बनता है बच्चे केमिस्ट्री के साथ। क्यों? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल सब्सटेंस और मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं बच्चे। क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंस हमारी पूरी बॉडी, सेल की कंपोजिशन को देखें, ऑर्गेनेली की कंपोजिशन को देखें, तो वो किसी न किसी पार्ट से बनी होंगी। उन पार्ट की स्टडी के लिए हम लोग वो किसी एलिमेंट या किसी एटम से बनी होंगी, और एलिमेंट और एटम की स्टडी किस में होती है? केमिस्ट्री में। ये ऑर्गेनेलीज और सेल कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाते हैं? लाइफ। तो इसका मतलब है बायोकेमिस्ट्री में हम लोग केमिकल सब्सटेंस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस करते हैं। एक एग्जांपल बच्चे, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है C6H12O6, ये क्या चीज़ है? खुराक जो मैं और आप खाते हैं। ये खुराक आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब बच्चे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, इसके क्या काम होते हैं, ये कैसे हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कैसे हमें एनर्जी देता है, कैसे हमसे डेली एक्टिविटीज़ करवाता है, तो उन सब को समझने के लिए हम लोग बायो का रिलेशन किसके साथ पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री के साथ। और हम लोग जो बायो का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें वो बायो की कौन सी ब्रांच या किस रिलेशनशिप के साथ करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चे। नेक्स्ट आ जाएं हम लोग, जो थर्ड रिलेशन है आपके पास बायो का वो है जी जियोग्राफी। अब बायो से मुराद क्या चीज़ है? लाइफ। जियो, जियो का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास? अर्थ। ग्राफी का मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बायो जियोग्राफी में हम लोग सिंपल पढ़ते हैं बच्चे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, अगर आप लोग पोलर बियर्स को देखें तो पोलर बियर्स हर इलाके में पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते। हम लोग मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, ये पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पोलर बियर्स हमें नज़र नहीं आते। पोलर बियर्स एक स्पेसिफाई रीजन में पाए जाते हैं बच्चे, और वो स्पेसिफाई रीजन कौन से होते हैं? आर्कटिक रीजन। हमें कैसे पता चला कि पोलर बियर सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं? हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहेंगे कि ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, और हमें किस ब्रांच या किस रिलेशनशिप के थ्रू बायो के साथ, किस साइंस के साथ रिलेशनशिप के थ्रू पता चलेगा? बायो जियोग्राफी। जियो का मतलब आ गया अर्थ, बायो का मतलब आ गया लाइफ, कि ज़मीन के ऊपर लाइफ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जिस इंटरडिसिप्लिनरी का सहारा लेंगे वो कौन सी होगी आपके पास? बायो जियोग्राफी। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताई? वाई पोलर बियर आर प्रेजेंट इन आर्कटिक रीजन, हमें किसकी मदद से पता चला? ड्यू टू बायो जियोग्राफी। इसके अलावा बच्चे मॉस्कीटो, वो वाले मॉस्कीटो जो मलेरिया काज करते हैं हमेशा, ये क्यों? डैम्प। डैम्प से मुराद होते हैं नमी वाली जगह और साथ में वार्म एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों नमी और गर्म जगह पे पाए जाते हैं, हमें किसकी मदद से पता चला? बायो जियोग्राफी की मदद से। तो बायो जियोग्राफी की मदद में हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑन अर्थ, के ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ये सारा हम लोग किस में देखते हैं? बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो, बायो से मुराद लाइफ। इकोनॉमिक्स, जो शख्स इकोनॉमिक्स से वाकफ़ हैं या जिनके घरों में इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे मईशियत को, रुपये पैसे को। तो अब जब हम लोग लाइफ को या ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो तब हम लोग बायो का रिलेशन जिस साइंस के साथ जोड़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? हम लोग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा इस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंसर्न है। मुझे छोड़ें बच्चे, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ। लेट्स सपोज मैं आपको एक वेराइटी ऑफ क्रॉप दे देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ आपके पास एक पोटैटो वेराइटी ऑफ क्रॉप है, इसके एक्सपेरिमेंट करें। इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोग दो चीज़ें देखेंगे, एक इसकी कॉस्ट वैल्यू देखेंगे। लेट्स सपोज आप अपने घर के जो फालतू जगह या सेन है आप उधर पोटैटो काश्त करते हैं, आप दो चीज़ें देखेंगे, पोटैटो आपके पास लाइफ है,
पोटैटो प्लांट है, प्लांट ले लेंगे इसका मतलब है ये लाइफ है। अब इसकी आप दो चीज़ें देखेंगे कि उस एरिया में लगाने के लिए आपको कॉस्ट कितना करना पड़ता है, आपको खर्च कितना करना पड़ता है, और साथ में आप लोग देखेंगे कि अगर वो उस जगह ग्रो कर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट क्या आता है। तो हम लोग कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी वैरायटी ऑफ क्रॉप का क्या चीज़ देखते हैं बच्चे, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट देखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास, ये पोटैटो आपके पास लाइफ है, इसको जब आप लोग जोड़ेंगे इकोनॉमिक्स के साथ और इसको जब आप लोग डिस्कस करेंगे रुपए पैसे के साथ, तो इसका रुपए पैसे या इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक को समझने के लिए आप लोग जिस इंटरडिसिप्लिनरी का सहारा लेंगे वो कौन सी होगी बच्चे आपके पास, बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल जिस तरह बच्चे इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आजकल कोविड-19 आया हुआ, कोविड-19 हमें कहते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें अपनी मार्केट्स बंद करनी है, हमें अपने स्कूल और कॉलेजेस बंद करते हैं, मार्केट हो गया, स्कूल और कॉलेज हो गया, ये सारे के सारा क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इकोनॉमी। इसका डायरेक्ट अफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर बच्चे। जब ये सारी चीज़ें बंद हैं तो हम लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डाउन कर रही है, गिर रही है, तो इसका मतलब है हमें किससे पता चलेगा, हम लोग जब लाइफ को किससे रिलेट करेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब हम लोग जिस इंटरडिसिप्लिनरी का सहारा लेंगे वो कौन सी होगी बच्चे, बायो इकोनॉमिक्स। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, लास्ट है बायोमेट्री और बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कवानीन पढ़ते हैं, द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के जो कवानीन होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको रिलेट करते हैं लाइफ के साथ, उनको रिलेट करते हैं बायो के साथ। कैसे बचे, अब जब हायर क्लासेस में आप लोग जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप लोगों को रिसर्च वर्क दिया जाता है, या अगर यह लाइव क्लास होती मैं आपको ये करके बताता कि कैसे, मैं कहता लेट्स सपोज क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं बच्चे, मैं किसी भी शख्स को, फलां शख्स है लेट्स सपोज स्टूडेंट ए, मैं इसको कहता बच्चे आप सबकी हाइट लो, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट लो, आप हाइट ले के उसकी क्या निकालो, 30 बच्चों की एवरेज निकाल के मुझे बताओ कि क्लास की एवरेज क्या आती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो एवरेज आती है वो मेरे पास आती है 5 फीट। अब ये 5 फीट मेरे पास कहाँ से आया, अब देखें पहले आप लोग क्या करेंगे, 30 के 30 बच्चों को जमा करेंगे, उनकी हाइट को ऐड करेंगे। एडिशन किस में होती है बच्चे, मैथमेटिक्स में। रूल किसके अप्लायर हो रहा है, मैथ्स का। किसके साथ अप्लायर हो रहा है, लाइफ के ऊपर या रिसर्च वर्क के ऊपर। ऐड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे बच्चे, सबको डिवाइडेड बाई 30 करेंगे। डिवीजन किसका रूल है, मैथमेटिक्स का, बायो का रूल नहीं है। आखिर में आपके पास क्या चीज़ आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 5 फीट, आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल कैसे पढ़ सकते हैं, जब हम लोग रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च वर्क के ऊपर या अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, तब हम लोग कहते हैं बायो का रिलेशनशिप किसके साथ आ जाता है बच्चे, मैथमेटिक्स के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ। इस ब्रांच को हम लोग किसका नाम देते हैं, बायोमेट्री का और बायो स्टैटिस्टिक्स का। तो बच्चे आज के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है बायो का रिलेशनशिप अदर फील्ड्स के साथ, कौन कौन सी अदर फील्ड्स के साथ पढ़ा है, बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स को आप कैसे याद रख सकते हैं बच्चे, सीटी स्कैन या MRI से। हर घर में या उमूमन हर फैमिली में किसी ना किसी शख्स की सीटी स्कैन लाजमी हुई होती है। सीटी स्कैन का जब भी ताल्लुक आएगा, एंडोस्कोपी स्टमक से रिलेटेड है, MRI आपके पास, ECG है या ECC आपके पास, इन सब का कंसर्न किसके साथ है, फिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री को कैसे याद रख सकते हैं, आपके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, आप खुराक खा रहे हैं, ये कैसे हजम हो रही है, कैसे आपकी डाइजेशन हो रही है, इसकी कैसे ये आपको यूज़फुल है, उसको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री। बायोजियोग्राफी को बच्चे कैसे समझ सकते हैं, आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म कैंगरू लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में नहीं है, क्यों, आपको किसकी मदद से समझ आएगा, बायोजियोग्राफी। बायोइकोनॉमिक्स, बायोइकोनॉमिक्स आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं किसके पॉइंट से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए आजकल कोविड-19 है, कोविड-19 का दौर है, मुल्क के अंदर लॉकडाउन है, इकॉनमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, क्यों, ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहे, ऑर्गेनिज्म प्रॉफिट नहीं प्रोड्यूस कर रहे। बायोमेट्री, घर के अंदर जितने लोग हैं सबकी हाइट को मेजर करके एवरेज निकालें, आप लोग इसको भी समझ जाएंगे। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब आपके पास आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि बायो के अंदर सिर्फ बंदा डॉक्टर फील्ड्स हैं जो बायो पढ़ के हम लोग उनको अपनी लाइफ में या हम लोग उनसे अपना जरिया माश बना सकते हैं उनको। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।